नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया फर्स्ट में। मैं आपके साथ शीतल शर्मा और नजर डालते हैं इन खबरों पर। मथुरा गोवर्धन में व्यापारी को दुकान से उठाकर ले गए बदमाश, दिन दहाड़े बदमाशों का देखने को मिला आतंक। व्यापारी को दुकान से उतारने के बाद जंगलों में बुरी तरह लहूलुहान हालत में छोड़ गए बदमाश। योगी राज बना जंगल राज, गोवर्धन पुलिस अवैध वसूली में व्यस्त। मरणासन्न अवस्था में छोड़ गए बदमाश व्यापारी, हालत नाजुक, गंभीर अवस्था में व्यापारी जिला अस्पताल रेफर। मथुरा संवाददाता उमेश भदौरिया की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर है। कहाँ पर क्या घटना हुई? मैं गोवर्धन का रहने वाला हूँ, अपनी दुकान चलाता हूँ बड़ा बाजार हाथी दरवाजे पे। वहाँ पे दुकान में बैठा था, 4:15 बजे के करीब कुछ गुंडे लोग मेरी दुकान पर आए, मुझको जबरदस्ती खींच के मारते हुए ले गए, बाइक पे बैठा के ले गए रेल की बाबूलाल डिग्री कॉलेज, और वहाँ उसके बाद रेल की पटली है, वहाँ जाके मुझको ले गए। वहाँ पर मुझको 3 लाख रुपए मांगे, पैसे मांगा। मैंने मेरे पास पैसे कहाँ हैं, पैसे मांगा नहीं तो उसको यहीं काट के डाल देंगे। फिर मारना चालू कर दिया, फिर मुझसे बोले बहुत मारा मेरे को, पैसे मांगा। मैंने मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से ला कर दूँगा, छोटी सी दुकान चलाता हूँ मैं अपनी, मेरे पे पैसे कहाँ हैं। उन्होंने मुझे बहुत मारा, उस रेल की पटली पर भटक दिया, रेल आने लग गई। रेल वालों ने मुझे दूर से देख लिया, कोई मारपीट हो रही है, उन्होंने रेल पर ब्रेक लगा दिए। तो उन्होंने रेल जैसे रुक के उतरने लगे रेल वाले, वहाँ से मुझको पकड़ खींचते हुए गाड़ी बैठा के फिर ले गए जंगल में। जंगल में जाकर फिर मारा, पैसे मांगा, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मुझे बहुत डंडों से फिर पिस्टल निकाल ली गोली मारने के लिए, लोग सुन के चले आए वहाँ पे। तो कुछ लेडीजों को पिस्टल दिखा के लोगों को भगा दिया वहाँ से, भग जाओ नहीं गोली मार देंगे। तो मुझे पैसे मांगा, मैंने नहीं है, बहुत मारा मुझे डंडों से, पैसे मांगा। फिर मेरी चेन तोड़ ली है, एक दो रिंग थी मेरे हाथ में, वो ले लिए। एक मोबाइल था, 15-20 हज़ार रुपये मेरी पॉकेट में थे श्रीमान जी। मेरा मोबाइल, मेरे RD, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारे उन्हीं के पास है। मेरा मोबाइल भी नहीं बचा है। और कितने लोग थे? जिनमें तीनों को तो मैं खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ, जाम जानता हूँ। और 3-4 लोग अज्ञात थे, जिसमें एक महेश पंडित है, जो पहले भी सरकारी अधिकारी को ऐसी मारपीट कर चुका है, उसका केस चल रहा है अभी। और एक कल्लू पंडित है, उसने मार्केट में ऐसे 2-3 महीने पहले ऐसी घटना का अंजाम दिया, ऐसी घटना। और तीसरा एक राहुल गुजर है, वो पहलवान, वो उनके साथ था, और अज्ञात लोग भी थे। पर मुझे अधमरा जब देख गया कि इसको अब इसमें सांस नहीं रही, मतलब होश नहीं रहा, मुझे मारते रहे, मेरी लाश में पता, फिर मुझे नहीं पता। फिर वो मुझे मैं भाई उस पड़ा रहा, वहाँ से कैसे आया हूँ, कैसे नहीं आया हूँ, मुझे लेके आया। फिर मेरे FIR कराई, फिर घर वाले पहुँच गए, पुलिस पहुँची थी, घर वाले लेके पुलिस को पहुँचे थे, तब मुझको वहाँ से उठा के लेके आए थाने, ले गए थाने से मुझको अस्पताल ले गए। वहाँ पता नहीं क्या किया, कोई किसी को नहीं पता, मेरा अंगूठा लगवा लिया, मुझको पता ही नहीं। अभी यहाँ पता चला उन्होंने मेरे अंगूठे पता नहीं कहाँ पे लगवाए, मुझे इतना मारा है, मेरे हाथ पैर कमर सिर सब में चोट है। मेरे एक कान से मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है, मेरे एक कान से मुझे सुनाई देना बंद हो गया है। और मेरे सिर में इतना चोट है कि मुझे चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है वो इतने दबंग लोग हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, वो इतने दबंग लोग हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे पता है अभी तक कुछ नहीं हुआ होगा।